हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम चैप्टर सेकंड के बारे में बताएंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट। सेकंड चैप्टर है बहुपद, इसको हम पॉलीनोमियल भी कहते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद जिसमें चर, अचर और चर के गुणांक तथा ऋणात्मक घातांक के जोड़, घटाव व गुणन की क्रिया को बीजीय व्यंजन को बहुपद कहा जाता है। वाले क्रिया वाले बीजीय व्यंजन को बहुपद कहा जाता है। अब जैसे कि एक बहुपद है, 5x की शक्ति 3। क्या है? 5x की शक्ति 3। तो इसके अंदर क्या है? घातांक क्या है? घात क्या है? ये घातांक ये हो गए। अब ये घटा है, यहाँ जमा है, तो जोड़ और घटाव का इसका यूज हो गया। चर राशि, चर राशि क्या है? x, ये x चर राशि होगी। और अचर राशि होगी 5, 4, √2, ये अचर राशि होगी। चर राशि के गुणांक ये हैं, x की शक्ति 3 का गुणांक क्या हो गया? 5। x की शक्ति 3 का गुणांक क्या हो गया? 5। x की शक्ति 2 का गुणांक क्या हो गया? -4। पूछा जा सकता है एक नंबर में कि x की शक्ति 2 है, गुणांक क्या होगा? तो उसमें -4 आ गया। एक्स शक्ति 3 का गुणांक क्या है? 5। एक्स का गुणांक क्या है? 1। और कांस्टेंट गुणांक स्थिरांक जो स्थिर जो है राष्ट्रभूमि अचर वो क्या है? वर्गमूल 2। ये आपकी इसकी घात क्या है? हाईएस्ट पावर ये है 3, तो इसलिए ये इसकी घात होगी। बहुपद का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। क्या किया जाता है? दो प्रकार से। एक पद के आधार पर, ये पद के आधार पर है। दूसरा घात के आधार पर किया जाता है। पद के आधार पर एक पदी बहुपद होता है। एक पदी में क्या होता है? इसके एग्जांपल देखिए, एक पदी बहुपद के अंदर जैसे मान लीजिए 4x की शक्ति 2 हो गया, ये एक पद है, खाली इसमें 100 आ गया, ये इसके एग्जांपल हो गए एक पदी बहुपद की। द्विपदी में जैसे 4x जमा 5 हो गया, या फिर 5x जमा 3y, तो इसमें एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद हो गए तो ये द्विपदी हो गया। इसी प्रकार यदि इसमें 3 पद हो गया तो इसमें ये ऐड कर देंगे, ये 3 पद हो गया, 3 पदी बहुपद हो गया। ये तो हमारा था पद के आधार पर। अब इसके बाद में क्या करना है? घात के आधार पर। घात के आधार पर क्या है? जिसकी घात 1 होती है, क्या वह पद जिसकी घात 1 होती है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसकी घात घात 1 हो, घात 2 हो और घात 3 हो, ये इसकी घात दे रखी है। यदि 1 होगी तो हमारे पास रैखिक बहुपद है। जैसे 5x जमा 3, तो इसमें घात 1 है, ये तो ये हमारे पास रैखिक बहुपद हो गया। अगर ये इस प्रकार ना होकर ऐसे हो जाए 6x जमा 5 या 15, तो हमारे पास इसकी घात कितनी है? ये 2 हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद हो गया। इसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, ax2 जमा bx जमा c, ये हमारी फॉर्म है। इसका यूज इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में भी इसका यूज किया जाएगा और उससे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि थर्ड और फोर्थ चैप्टर में भी इसका यूज किया जाएगा, द्विघात समीकरण का। तो ये द्विघात समीकरण की फॉर्म होती है, जनरल इंफॉर्मेशन इसकी होती है, ax2 जमा bx जमा c। इसमें a, b और c ये वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, कोई भी संख्या आ सकती है इसकी। ये इस प्रकार से दिया हुआ है। उसके बाद इसके बाद दिया हुआ है इसमें त्रिघात बहुपद। त्रिघात में 3 जिसकी पावर आती है, ये जैसे इसमें 3 हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये इसमें ये हो गया। त्रिघात के अंदर जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है, ये 3 आ गई, तो ये हमारी हाईएस्ट पावर 3 त्रिघात की होती है। ओके, ये यहां तक तो आपका इसका हो गया। इसके बाद आपने शून्य का बताना है। जैसे ax2 + bx जमा c, ये हमारी द्विघात बहुपद है। क्या है?
सीधी बात बहुपद है, ठीक है। और हमारे पास इसमें दो शून्यक ले लेंगे, इसलिए हम शून्यक क्या मानेंगे, शून्यक मानेंगे अल्फा और बीटा। ये अल्फा और बीटा इस प्रकार से होता है, अब इनका योगफल, शून्य का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, घटा बी बटा में ए, और ये इसका गुणनफल है, क्या है, गुणनफल। गुणनफल के लिए क्या है इसका, अल्फा और बीटा, ये हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास हो गया सी बटा ए, सी ए हो गया बटा में ए ये हो गया। जैसे मान लीजिए इसके अपने योगफल और गुणनफल निकालने हैं, 3x² प्लस 5x और माइनस सिक्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आपने योगफल निकाला है, योगफल में b माइनस का b, तो यहाँ पर क्या हो गया -5 और बटे में 3 दिया गया। अब दूसरे में c क्या है, ये c पार्ट है, ये c है, ये b है और ये a है। अब ये क्या हो गया, -6 बटे में 3, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये -2 आ गया, ये इसका योगफल हो गया और इसका गुणनफल हो गया। इस प्रकार से इसको आपने कंप्लीट करना है। अब इसके बाद आगे यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा हो, पहले ऑलरेडी दिया हुआ है योगफल वे गुणनफल ऑलरेडी दिया हुआ है, ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तो हम समीकरण द्विघात समीकरण इस प्रकार से बनाएंगे, द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, ये देखिए इसके लिए फार्मूला यूज किया जाता है, और ये 2.2 एक्सरसाइज के अंदर ये है, ये क्वेश्चन का यूज किया जाता है, और फाइनल एग्जाम के अंदर भी ये आता है। x² माइनस शून्यकों का योगफल और उसके बाद x मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल। अब यहां पर क्या है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये x और यहां x का वर्ग हो गया और यहां प्लस अल्फा इनटू बीटा, ये आपके शून्य हो गया, ये समीकरण हो गया। इसके अंदर जो दिया जाएगा योग तो उसकी वैल्यू याद रखेंगे, ये गुणनफल दिया हुआ है उसकी वैल्यू याद रखेंगे, इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। अब इसके बाद यदि त्रिघात समीकरण आ जाए तो उसमें किस प्रकार से करेंगे, त्रिघात समीकरण के अंदर यदि अल्फा बीटा और गामा वे गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स की शक्ति 3 जमा बी एक्स की शक्ति 2 जमा सी एक्स जमा डी, ये आपका दिया हुआ है, तो इसके अंदर योगफल और गुणनफल किस प्रकार से निकालेंगे, तो उनका योगफल वे गुणनफल किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आपके योगफल हो गए, तो इसको सेम वही फार्मूला है माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद ये हो गया हमारे पास सी अपॉन ए और अल्फा बीटा और गामा, ये हमारे पास हो गया माइनस बी अपॉन ए, ये आपकी इस प्रकार से ये समीकरण दी हुई है। यदि ये शून्य ये दे रखे हैं, मान लीजिए तो समीकरण कैसे बनाएंगे, वो इसी प्रकार से बनेंगे जैसे आपने इससे पहले बनाया था कि x³ माइनस का निशान, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर x² ये हो गया, उसके बाद प्लस
अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये हो गया यहाँ पर एक्स आएगा, ये ध्यान देना है। और उसके बाद में अल्फा बीटा और ये आपकी समीकरण बढ़ जाएगी यदि इनके योगफल और गुणनफल शून्य दिए हुए हैं, तो इस प्रकार से ये आपका समीकरण, ये सभी इस प्रकार से आपने कंप्लीट करना है। पहले रन करना अच्छी तरह से वीडियो को देखकर, और यदि किसी बच्चे को डाउट है कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपकी नेक्स्ट